सहयोग करें। हमारे भी माननीय मंत्रीगण, नगर विकास मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी का पुष्प भेंट कर स्वागत, श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जी का, श्री ब्रजेश पाठक जी का, श्री गोपाल टंडन जी का प्रथम ध्वनि आपकी सुनने को मिले आनंद आएगा। और अब अपर नगर आयुक्त श्री मनोज कुमार जी से निवेदन के पुष्प भेंट कर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी का स्वागत करें। श्री अनिल गर्ग मंडलायुक्त जी का और श्री नंदलाल सिंह जी अपर आयुक्त, श्री अनिल मिश्रा जी, श्री सुरेश श्रीवास्तव जी का स्वागत करेंगे पुष्प भेंट कर, श्री नीरज भोरा जी का और जय देवी कौशल जी का स्वागत करें। और अब इसके बाद मेरा जो कि लखनऊ नगर निगम की महापौर निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ एवं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता तथा अखंडता को बनाए रखूंगी और जिस पद को ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक पालन करूंगी। शपथ पत्र पार्षदों को न मिलने पर जय अखिलेश और जय श्री राम के नारे लगाकर पार्षदों ने आक्रोश व्यक्त किया। Yeah, I'm going to go.
लखनऊ के नव निर्वाचित महापौर श्रीमती लखनऊ का जो संकल्प व्यक्त किया, उसके बाद एक ये भी संकल्प व्यक्त किया कि जिस तरह से वो ऐसे प्रयास करेंगे, सार्थक प्रयास करेंगे, सार्थक कोशिशें करेंगे जिससे लखनऊ देश के टॉप 10 शहरों में गिना जाए और हिमालय से गिना जाए, स्वच्छता से गिना जाए। और इस मामले में बहुत सहयोग की अपेक्षा की जाती है वो नगर विकास मंत्री महोदय से की जाती है। और अब उधर की श्रृंखला में माननीय नगर विकास मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। एक बार आप कर ध्वनि से उनका स्वागत कीजिए माननीय सुरेश खन्ना जी। मुख्य आकर्षण लखनऊ की मेयर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री सम्माननीय श्रीमती रीता बहुनाथ जोशी जी, माननीय तथा हमारे साथियों के साथियों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी लोग, मेरा नाम राजकुमार गुप्ता है। कहाँ से आए? मैं तेलीबाग से आया हूँ। तो आप यहाँ पे समारोह में कितने बजे आ गए थे? मैं 3 बजे आया था। 3 बजे? यस। तो यहाँ से आपको महापौर जी मिली? नहीं, महापौर भीड़ व्यस्तता होने के कारण नहीं मिल पाए। हमें कोई सिकवा गिला नहीं है, हम आगे भी मिल लेंगे। हमारे प्रशांत भाई हमको फिर मिला देंगे। आप यहाँ से लौट के अब जा रहे हैं? हाँ, घर जा रहे हैं। शाने अवध की पहली महिला महापौर ने ली शपथ। आइए करते हैं पार्षदों से बातचीत। नाम है आपका? शशि गुप्ता। तो यहाँ पे जो आज आपने शपथ ग्रहण में आप आई और शपथ ग्रहण आपने लिया जी। तो आप किस पार्टी से सभासद हैं? बीजेपी से। कहाँ की हैं? किस वार्ड से? तो यहाँ पे जैसे आप, हाँ, बशीरतगंज गणेश। तो यहाँ पे जैसे आपका आज शपथ समारोह था, तो यहाँ पे जैसे सारी जो व्यवस्था थी वो कैसी थी? बहुत अच्छी व्यवस्था, ठीक थी। तो यहाँ पे जैसे नगर निगम से जनता को बड़ी उम्मीदें हैं, परेशानियाँ हैं, तो उसके लिए आप आगे निष्ठापूर्वक कार्य करेंगे, जनता की सारी उम्मीदों पे खड़े उतरेंगे, जो भी उनकी उम्मीदें हैं उसमें निष्ठापूर्वक हर कार्य करेंगे। आपका क्या नाम है? गिरीश गुप्ता। तो आज आप भी इस शपथ समारोह में थे। तो यहाँ पे जैसे जो नगर निगम में जनताओं को अक्सर करके परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो उसके अंदर पार्षद को क्या काम करना है? भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पार्षद होने के नाते, पूर्व नगर महामंत्री होने के नाते, स्वाभाविक तौर से जन समस्याओं से बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता अवगत है और जो भी समस्याएँ होती हैं वो निराकरण करता रहता है। और समस्याओं का बशीरतगंज गणेशगंज वार्ड में समाजवादी पार्टी का पूर्व में पार्षद थे, 15 साल से रही है, समस्याओं का भीषण जमवाड़ा लगा हुआ है। उन समस्याओं का निराकरण जल्दी से जल्दी होगा, क्योंकि हमारी सरकार, हमारा मेयर है, कहीं किसी बात की कोई दिक्कत नहीं। तो आप यहाँ पे जनता के रूप पे आई थी पार्षदों का? मैं बीजेपी कार्यकर्ता हूँ, 30 साल से पार्टी में जुड़ी हूँ, वर्तमान में नगर मंत्री हूँ और मैंने शशि जी को चुनाव लड़ाया है, मैंने कई सभासदों को चुनाव लड़ाया है। और सभासद सौभाग्य की बात है, जो भी सभासद होता है जिस भी वार्ड को, बीजेपी का सभासद काम करता है,
हर लोगों की समस्याएं सुनता, बहुत से काम सभासद करवाते हैं, बहुत से काम सभासद कार्यकर्ताओं को सौंप देते हैं कि आप अपने स्तर से देख लीजिए, जनता संतुष्ट है, हम लोग काम में लग गए हैं, हम कार्यकर्ता सब मिलकर काम करते हैं। जैसे गणेशगंज बशीरतगंज वार्ड की स्थिति बड़ी दयनीय है, तो उसके लिए आपके जो अभी हुए हैं पार्षद, तो वो क्या आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? उनसे बहुत बहुत उम्मीद है, और ये जनता है और हम हैं। अगर हाथ पे रोटी रख दी जाती तो लोग कहते मुँह में क्यों नहीं डाला, शिकायतें तो आती रहेंगी, और हम लोग काम में लग गए हैं, काम करते रहेंगे। और काफ़ी विडो पेंशन के फॉर्म हमने भर के जमा करवा लिए हैं, जो मुझे समाज कल्याण तक पहुँचाना है, चाहे नाली की व्यवस्था हो, चाहे लाइट की व्यवस्था हो, चाहे रोड की व्यवस्था हो, हम लोग सारा काम करते हैं। बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता निष्ठापूर्वक काम करता है, शपथ के पूर्व। और महिला सभासद होने के नाते मैं भी महिला हूँ, मुझे लग रहा है कि और मुझे बल मिल गया है, ताकत आ गई, थोड़ी एनर्जी आ गई इनको पाकिस्तान। यानी कि महिला पार्षद और महिला मेयर से आप यानी कि बहुत उम्मीद है, बहुत अच्छे उतरेंगे, और भगवान ने चाहा तो बहुत बढ़िया काम करेंगे, और आप ही लोग हमारी सराहना करोगे। पूर्व ही क्षेत्र में एक विकास की लहर दौड़ने लगी है, और स्वाभाविक तौर से विकास की गंगा बहेगी, कि मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आश्वस्त। आज आपकी जो माता श्री जो है उन्होंने पार्षद की शपथ ली है, जी जी। तो आज आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी खुशी की बात है, इससे पहले भी मेरी माता जी और पिताजी पार्षद रह चुके हैं पूर्व में, और इस बार 15 साल बाद फिर से मौका मिला है मेरे पिताजी की कार के आधार पर और माता जी के कार के आधार पर, और उस पर उम्मीद रखता हूँ कि इस बार भी मेरी माता जी उतना ही उससे अच्छा कार्य क्षेत्र में विकास का करेंगे। शहर की सरकार पहली महिला मेयर ने आज शपथ ली, और पार्षदों ने भी आज यहाँ शपथ ली है कि वो अपने वार्डों में विकास की लहर दौड़ाएंगे। जो यहाँ पे जितने भी जो पहली मेयर महिला के होने के कारण महिलाओं में बहुत उत्साह दिखा कि उनसे उनकी बहुत सारी आशें हैं कि वो जितना विकास कर सकती हैं, हम उनके साथ एक व्यक्तिगत तौर पे उनसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, जो वो पहले एक पुरुष महापौर के होने पे नहीं उनको उतना उत्साह था जितना संयुक्ता भाटिया के महापौर होने पर हुआ है। इसी के साथ कैमरामैन सचिन के साथ मैं अमित आपसे इजाज़त चाहता हूँ, धन्यवाद।